रिदा, यकीन सभी जानते होंगे। और आज हम आए हुए हैं यहाँ पर फोर्ट ग्रैंड, और मैं आपको बता दूं कि फोर्ट ग्रैंड में हमारा पूरा वीक हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि पूरा वीक हम करेंगे फ्रेंड्स वीक। और फ्रेंड्स वीक में ये है कि मेरी सारी जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, तकरीबन 5 फ्रेंड्स हैं, हर रोज़ आएंगी और अपनी जो उनकी रेसिपीज़ हैं वो हमसे शेयर करेंगी और आप लोगों से भी शेयर करेंगी। तो ये आज का जो हमारा एपिसोड है, सेकेंड है, दूसरा एपिसोड है जिसमें मेरी जो सेकंड फ्रेंड है वो आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी हम फोर्ट ग्रैंड आते हैं यहाँ पर बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा खूबसूरत यहाँ का व्यू है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ के खाने बड़े मज़ेदार हैं। और आपको ये भी बता दें कि हर रोज़ हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहाँ की जो भी रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम आए हुए हैं गार्डनिया में। यहाँ की वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन इनका मसाला डोसा इतने मज़े का है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, आज मैं बनाऊँगी इनका मसाला डोसा, और मेरे साथ जो मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त है जो बहुत मज़े के खाने बनाती है, मेरी जिगरी दोस्त है, और वैसे तो इनके खाने मैंने बहुत सारे खाए, लेकिन आज दो रेसिपीज बड़े मज़ेदार से शेयर करी है। एक बना रही है बड़ी मज़ेदार से फिश, बन रही है मसाला फिश, और साथ में एक देसी घी रोस्ट बन रहा है। तो खैर मैं उनको दावत देती हूँ अपनी दोस्त को, ताकि वो आके वो भी आपको बताएं। तो मैं दावत देती हूँ अपनी प्यारी सी दोस्त ज़ायदा को। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तशरीफ ले आए, आप अपना संभाले, किचन को संभाले। किचन को वैसे तो घर में भी संभालते हैं, अब यहाँ पे भी संभालना है। अच्छा, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वैसे तो सारी दोस्तें बहुत अच्छी, एक कोई होती है ना जिगरी दोस्त, ये मेरी जिगरी दोस्त है, बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती है। हम खूब घूमते हैं फिरते हैं, हर जगह साथ साथ में रहते हैं, तो इसके हाथ के खाने बहुत मज़े के होते हैं। ये बहुत अच्छी कैटरिंग करती है, उसके अलावा ये डिज़ाइनर भी है, बहुत अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन करती है, मैंने इनके बहुत सारे ड्रेसेस पहने हैं। तो आज क्या खिला रही हो? आज मैं आपको खिला रही हूँ देसी घी रोस्ट, ठीक है, और मैं मसालेदार फिश बना रही हूँ। अच्छा, फिश बना रही जी, और ये भी मुझे रिदा ने ही सिखाया है, और मैं रिदा की स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है ना, दोस्त हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो शुरू कर लेते अच्छा, हैं। चले जी, पहले तो ज़ायदा आपको बड़े आराम के साथ तसल्ली से मुझे बताइए, घी कहाँ से है? इतना देसी घी तो मिलता है। ये देसी घी मैंने गांव से मंगवाया है। अच्छा, कहाँ से? मीरपुर खास से। मीरपुर खास का खास देसी घी है, और बड़ी मजे की इसकी खुशबू है, जो बच जाएगा ना वो मैं लेके जाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ज़ायदा बना रही है घी रोस्ट, आपको सारे अज्जा बताती है, ये कितना गोश्त है, कौन सा गोश्त है, ये डिटेल में बताएं। अच्छा, ये मटन है और इसको मैंने लिया है 1.5 किलो, ठीक है 1.5 किलो लिया है, 1.5 किलो मैंने मटन लिया है, उसको मैंने हाफ डन कर लिया है, ठीक है हाफ डन करने के बाद जो है मैं अब इसको घी में रोस्ट करूंगी सारे मसालों के साथ। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या-क्या मसाले हैं? अच्छा, मसाले हैं, मैंने रोस्ट किया है ब्लैक पेपर, ठीक है, और इसमें क्या है, ये धनिया है, साबुत धनिया और जीरा, ठीक है, और उसको मैंने थोड़ा सा भून के मोटा मोटा क्रश, हाँ क्रश कर लिया, ठीक है, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये नमक, और नमक है, ठीक है। गार्निशिंग के लिए कार्विंग बड़ी प्यारी जी, ये मैंने बड़ी मेहनत की है इसमें, जरा इसको भी दिखा दीजिए। अच्छा, साथ में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, ये प्रॉपर शेफ का कोर्स भी कर रही है, वैसे तो घर में तो बहुत अच्छे खाने बनाती है, वहाँ पे एक कोर्स भी कर रही है। तो यहाँ इनकी देखिए कार्विंग कितनी खूबसूरत सी है, बहुत अच्छी इन्होंने कार्विंग की हुई है। तो चले हम स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, मैं दूँ आपको कुछ चीज़ चाहिए? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पतीली चाहिए होगा, वेट करते हैं, पहले इसको मैरिनेशन इसकी कर लो, बड़ा बॉल ले लेते हैं, ठीक है, फिर इसके अंदर हम इसकी मैरिनेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, दे दे मुझे एक बॉल, दे दे बड़ा बॉल चाहिए हमें, एक बॉल ले लेते हैं हम, उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स निकालो, मैं बॉल ले लेते हैं, जब तक आप निकालो इसको इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इसमें आप लगा रही हैं जो मसाले, दही आपको किसके लिए? दही इसके लिए, दही इसके लिए भी चाहिए मुझे, ठीक है, वो दे दे मुझे दही। अच्छा, दही मैं एक बड़ा बॉल ले लेती हूँ, मंगवा लेती हूँ, जिसके अंदर आप इसको पूरा मैरिनेट कर दें। अच्छा, ये आपने रान का पीस लिया है, ये मटन लिया है जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से गला ली, मैं दिखा भी देती जी, ये हाफ डन हुआ हुआ है। और अगर आप इसको हाफ डन नहीं कर रहे हैं घर में, जब आप बना रहे हैं तो आप ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा, फिर घी में फ्राई कर लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी वक्त कम, मुकाबला सख्त, हाँ ठीक है ना, तो इसलिए अच्छा, पूरा दही लेंगे कम? नहीं नहीं, ये एक कप दही लेना है। चलिए हम इसको यहाँ रखते हैं, ताकि ज़्यादा डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताती रहे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें शामिल करनी है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा को मैं आपको एक बॉल देती हूँ जी, बॉल चाहिए, इन्ग्रीडियंट्स निकाल लें। अच्छा, इसको वहाँ रख देती हूँ ताकि आराम से इन्ग्रीडियंट्स नजर आए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स देखने वाले जी बिल्कुल उनको समझ आए। तो ये आप ले लीजिएगा बॉल, और इसके अंदर मैरिनेशन के लिए आपको चीज़ें चाहिए। अच्छा, ये मैं इधर रख देती हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, इसमें मुझे चाहिए एक कप अच्छा ठीक है दही चाहिए, घी ले लेते हैं, स्पून दे देती हूँ,
मैं सब हाँ एक कप के करीब मैं डाल देती हूँ डालने। वैसे तो माशाल्लाह इतनी अच्छी कुकिंग चलती है, कड़ी इनके हाथ की मैंने खाई, मज़ेदार बनाती है, राइस बड़े सॉफ्ट पड़े, जो मज़ेदार राइस होता है। अच्छा ये भी बता दो रिदा के मुझे बनाने का शौक नहीं था, लेकिन मैंने किससे सीखा है? हाँ, रिदा से दोस्ती हुई ना, ठीक है ना, इस तरह से ऐसी। तो रिदा कहती है कि भाई ये चीज़ें आनी चाहिए आनी चाहिए। जब इंसान कहते हैं ना शादी के दूसरे घरों में जाता है तो सबसे पहले देखते हैं खाना कैसे बनाना, खाना कैसे बनाना है। अच्छा रिदा ये मैंने मिक्स कर लिया है, अब डालो, ठीक है ना। अच्छा इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून की जितनी है। हाँ ये हाँ रोस्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा काली मिर्चों को, काली मिर्चें रोस्ट करके फिर थोड़ा सा मोटा मोटा क्रश कर लिया, ठीक है। ये धनिया है, साबुत धनिया ये 2 चम्मच डालेंगे, ठीक है। मुझे तो मैं साइड पे कर दी ताकि याद रहे हमने ये चीज़। अच्छा ये जीरा है, अच्छा जीरे को भी भून के रोस्ट किया है, और ये भी 2 चम्मच आएंगे, ठीक है 2 चम्मच। अच्छा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, लहसुन अदरक तो जितना भी हाँ। मैं कहती हूँ कम है मुझे तो, मैं वैसे 2 डालती हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा डालती हूँ, ठीक है। असल में मटन है ना, मटन वैसे भी ज्यादा। अच्छा डाला आपने? नहीं डाला मैंने, नमक अभी मैं डालूंगी एंड में। अच्छा रिदा मुझे लाल मिर्ची भी चाहिए, रेड चिली पिसी हुई कुटी पिसी हुई भी चाहिए वो इस। अच्छा जी घी रोस्ट बना रही हैं जो देसी घी में बनेगा, बड़ा मज़ेदार है। अगर आप देसी घी को अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप बटर में भी बना सकते हैं, सही ना जी? बिल्कुल बना सकते हैं, और आप नॉर्मल ऑयल में बना सकते हैं। अच्छा मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल पाउडर भी, लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है। इससे कलर ज़रा बहुत अच्छा आता है, अच्छा कलर भी और टेस्ट भी ज़रा सा अच्छा आ जाएगा। और इसमें मैं अच्छा कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई भी डाल रही हूँ क्योंकि रोस्ट बन रहा है ये, ठीक है सही है। बस 1 चम्मच ही डालते हैं, ज़्यादा स्पाइसी, अगर किसी को स्पाइसी खाना है तो वो अपने हिसाब से डाल इसको गरम कर, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर जी थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि मुझे कलर ज़रा चेंज चाहिए इसका, ठीक है। चलो हमने फ्लेम ऑन कर दी है, चूल्हा जला दिया ताकि थोड़ा सा गर्म होगा। इसमें जाएगा देसी घी और इसके अंदर बन रहा है मटन, बड़ा मज़ेदार सा। अच्छा मैं नमक डालना है, नमक आप नहीं डालना चाहिए? नहीं नमक मैं अब डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। पहले डाला था बॉईल करते हुए? नहीं वो नहीं डाला मैंने, ठीक है वो मैंने नहीं डाला क्योंकि ये मसाला जी। अच्छा इन्होंने रान का पीस लिया है, हाँ मैंने रान का पीस अच्छा लिया है, गोटी वाला गोश्त होता है रान का, और आप चाहे तो पूरा साबुत पीस भी ले सकते हैं, आप रात भर उसको मैरिनेट करें फिर आप उसको बना लें, ठीक है। मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ और बाकी आप लोग अपने हिसाब से डाल दें। अच्छा जी अब इसमें जाएगा ये आप डाल दें, इसमें मटन डाल दें, ये मुझे दे दें। अच्छा ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, ठीक है रही। अच्छा मैं इसी से मिक्स कर देती हूँ ना, बड़े अच्छे पीसेस बड़े बड़े हाँ। लिए हैं रान के पीसेस हाँ। लिए हैं क्योंकि रोस्ट में तो वैसे भी हाँ। रिदा जो है ना बड़े पीस अच्छे लगते हैं, छोटे तो फिर वो सालन वाले हो जाएंगे अच्छा। ना अच्छा अगर हम इसको हाँ। बीफ में ले मटन में ले तो हाँ, लेकिन बीफ में भी ले सकते हैं आप, चिकन में भी ले सकती हैं आप, ठीक है ना। और आप बस बीफ का ज़रा टाइम लगता है, टाइम लगने में हाँ, और ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, देखिए बड़ा मज़ेदार हाँ। मसाला लग रहा है। तो मैं डाल दूँ इसमें घी? जी बिल्कुल हाँ, देसी घी जब ये गरम देसी होगा, घी देसी घी याद है रिदा मैंने कहा, रिदा एक दफ़ा मेरे घर आई है, रिदा ने कहा कि क्या कर रही हो, मैंने कहा मैं देसी घी की रोटी और चटनी खा रही हूँ, चटनी वो टमाटर प्याज वाली देसी। तो देसी घी वैसे भी खाना चाहिए सेहत के लिए बहुत अच्छा। अरे पहले ज़माने में लोग घी खाते जी, और अभी ऑयल ऑयल चल रहा है, आज की सेहत और पहले लोगों की सेहत में बड़ा फर्क है क्योंकि वो लोग असली घी का यूज़ ज़्यादा करते थे। अच्छा इस पे रख देती ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, वैसे इसके साथ ही रख दे, अच्छा स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। नहीं अभी तो थोड़ा सा मुझे करना है ना गरम कर हाँ। अच्छा मैं जब भी ऑयल या घी का इस्तेमाल करती हूँ तो मैं उसको गर्म नहीं करती, मैं उसी में डाल देती हूँ, साथ में पकता रहता है। अच्छा तो ये थोड़ा असली घी है ना रिदा, तो उसको थोड़ा सा खुशबू के लिए बनाना कर। वो होता है ना अगर आपके घर में कोई सब्जी पकी हुई है तो चपाती उसके ऊपर घी हाँ, वो भी गर्म गर्म रोटी के साथ मैं रिदा को खिलाऊंगी। हाँ इसके नहीं मुझे कहा है कि वैसे अक्सर ये होता है कि मैं जब फ्री होती हूँ शूट के बाद जाती हूँ तो रास्ते में घर पड़ता है इसका, तो मैं उतर जाती हूँ तो रिदा आ जाओ बड़े मज़े की कड़ी चावल बनाए, ये बनाया तो हम मिस कर। अच्छा जी यहाँ पर ये पूरा मैरिनेट हो गया है, अब ये जाएगा घी के अंदर, इसको कवर कर देते हैं ताकि इसी पानी के अंदर दही के पानी के अंदर मज़ीद पके। उसके बाद हरी मिर्चें हरा धनिया वगैरह जो डालना है वो हम डालेंगे। कितनी तो सिंपल सी है, तो फिर तो हमने ब्रेक भी लोग समझते हैं कि भाई रोस्ट बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन ये देखिए कितना आसान और कितने कम इन्ग्रीडियंट्स में ये बन गया। चलिए डाल दो मुझे तो मैं ठीक है मैं डाल दूँ ताकि हम सेकेंड रेसिपी की तरफ भी चले। बिस्मिल्लाह ये पूरा मसाले के साथ हम इसमें डाल देते हैं घी, रोस्ट हमारा बन रहा है ज़बरदस्त किस्म की, बिल्कुल न्यू रेसिपी है इस, पहले मेरे ख्याल में मैंने भी नाम भी नहीं सुना और
अच्छा जी, इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं ताकि भी मसाले के साथ भी पके, इसका ताकि टेस्ट भी आए। तो जब तक ये अच्छी तरह से पक रहा है, दही के अंदर पानी इसका ड्राई हो रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको कवर करते हैं। तो क्या ख्याल है, ले लें हम एक ब्रेक ले लें ताकि हम भी चाय वाय पिए, आप भी इतने प्यारे जो व्यू है इसको इन्जॉय करें। खूबसूरत से गार्डनिया में हम लोग आए हुए हैं, इनकी एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये पूरा वीक जो हमारा चल रहा है फ्रेंड्स वीक चल रहा है, और फ्रेंड्स वीक में क्या है कि हर रोज़ हम आएंगे पोर्ट ग्रैंड, और पोर्ट ग्रैंड के जितने भी यहाँ पर रेस्टोरेंट है 5 रेस्टोरेंट के अंदर हम जाकर वहाँ पर कुकिंग करेंगे और उनकी एक रेसिपी को हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप ऐसा करते हैं, लेते हैं हम एक छोटा सा वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज बन रही हैं, बहुत मज़ेदार सा घी रोस्ट बन रहा है, मज़ेदार फ्लेवर उसका आ रहा है देसी घी का, और यहाँ पर सारा अरोमा फैल रहा है। यहाँ पर जो शूट कर रहे हैं ना वो भी कह रहे हैं वाह क्या देसी घी है। लहरे मीरपुर खास का है तो सही होगा, अच्छा ही होगा। तो ये देखें जी हमारा घी रोस्ट हो रहा है, रोस्ट हो रहा है, ये देखें दही के साथ। ये आपको आवाज़ें जो आ रही है यहाँ पे हम लोग पोर्ट ग्रैंड में, और पोर्ट ग्रैंड में यहाँ पर जो बोट्स चल रही है, बड़े बड़े पानी के जहाज़ हैं, उसकी ये आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है जी, आप परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा, नेचुरल हो रहा है, लाइव कुकिंग हो रही है, लाइव कुकिंग हो रही है। अच्छा, ये हमारा घी में अच्छी तरह से रोस्ट हो रहा है, कलर कितना अच्छा है, बहुत अच्छा कलर, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। तो इसको हम कवर करते हैं ताकि और स्लो फ्लेम पे बने। अब हम चलते हैं फिश की तरफ, बड़ी मज़ेदार सी मसाला फिश बन रही है। यहाँ पर मछली साबुत रखी है, अब जल्दी से स्पीड पकड़ो। अच्छा ठीक है, मैं भी पकड़ती हूँ स्पीड। आप मसाला पहले इसका बनाए, अच्छा चलिए मुझे बताएगा क्या। ठीक है रीता, अच्छा बड़े गौर से देखिएगा। ठीक है, चम्मच चाहिए जी, टेबलस्पून दे दें मुझे। अच्छा देखिएगा, बड़े गौर से बड़े मज़ेदार सी यहाँ पर जो इसकी इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, गार्निशिंग इसने बड़ी खूबसूरत सी रखी हुई है। ज़ाहरा अभी आगे इंशाल्लाह देखिएगा, ये भी शेफ़ बन रही है, मसाला भी आपको एक शो ये भी करते हुए आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा देखिए, दही के अंदर मछली बना रही, तो अब आप सोचिए दही के अंदर रही है मसाले वाली। चले ठीक है, दही लिया जी, मैं 3 टेबलस्पून ले रही हूँ। ठीक है, दही ले लीजिएगा। ठीक है, 3 टेबलस्पून ले लिया मैंने। अच्छा, इसमें मुझे डालना है ओरिगानो, ओरिगानो डालना है। अच्छा, बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर। ठीक है, ठीक है, ओरिगानो डाल दिया है मैंने, ओरिगानो डाला है ना, एक चम्मच, एक चम्मच मैंने। ठीक है, और आधा चम्मच हल्दी डाल, हल्दी डाली है। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला है, पिसा गरम मसाला मुझे दे दीजिए ताकि मैं साइड पर। ठीक है, और ये लहसुन अदरक, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2, ज़्यादा डाल देते हैं फिश के अंदर, स्मेल आती है ना, स्मेल आती है, इसलिए मैंने इसमें समझ लिया 3 डाल दिए। अच्छा, ये मैंने जो है ग्रीन चिली पेस्ट है ना, ग्रीन चिली पेस्ट है, और ये मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है, छोटी वाली मिर्च है तो बहुत तेज़ है, और ये ब्लैक पेपर है। ठीक है, काली मिर्च भी डाल। अच्छा, काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं, ज़रा आपने गौर से देखना। ठीक है, ये काली मिर्च मैंने इसमें डाल, और भुनावा जीरा, और भुनावा जीरा, क्या मज़ेदार फ्लेवर है। ठीक है, अच्छा लोग अक्सर क्या करते हैं कि इसमें जो है, ये देखिए घर में ही सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और लोग क्या करते हैं कि वो मसाले का पैकेट्स ले रहे हैं, पैकेट लेकर उसे लगा रहे हैं, वो मज़े का नहीं बनता, और ये बहुत इजी और बहुत सिंपल सी है। अच्छा, ये इन्होंने मछली ली है, पूरी फुल वाली मछली ली है, आप धोता ले लें, सुरमाई ले लें, दंदिया ले लें, जो आपके घर में खाई जाती है वो मछली लीजिएगा, ताकि आप ये होंगे हमें कौन सी मछली लेनी है कौन सी। अच्छा, सुरमाई भी ले सकते हैं, लेकिन सुरमाई थोड़ी सी बड़ी होती है तो इसलिए उसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, तो आप अपने हिसाब से फिश ले लीजिए। ये मैंने 1.5 kg लिया था, लेकिन सफाई करने के बाद फिर तो काफ़ी कचरा, 1 kg रह गया। अच्छा रिदा, मुझे नमक भी चाहिए, मुझे नमक दे देती हूँ, नमक दे दें। चले जी, नमक भी। अच्छा, वैसे तो जब आप मछली लेके आए थोड़ा सा नमक छिड़क दे उसके जख्मों पे, तो उससे जो है खराब भी नहीं होती है, और थोड़ा जख्मों पे नमक छिड़कना छिड़कना चाहिए, जब भी मछली लेके आए उसके जख्मों पे जरूर नमक छिड़कना चाहिए। अच्छा रिदा, मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, तकरीबन 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप ये याद रखेंगे, या 2 चाहिए डाला है मैंने। अब इसको इस तरह से देखें, क्या जबरदस्त इन्होंने किया है ये, आहा क्या क्या मजे का मसाला लगेगा, क्या जबरदस्ती बनेगी। तो मैं यहाँ पर ग्रिल कर रही था, मैं सोच रही हूँ कि इस पे मैं यहाँ थोड़ा सा कट लगा दूँ। हाँ ये कर, ठीक है, लगा लो, सही, ये ज्यादा अच्छा रहेगा और अच्छा मसाला इसमें लग जाएगा। चलो मैं करूँ, मैं कर लूंगी, मैं आपको ग्लव्स दे दूँ, दे दें आप। ठीक है, चलिए ग्लव्स दे देते हैं। यहाँ पर हो रहा है हमारा शो,
फ्रेंड वीक हो रहा है, फ्रेंड्स वीक में मेरी 5 फ्रेंड्स हैं जो आएंगी, अपनी कुकिंग करेंगी, हर रोज़ एक दोस्त आएगी जो अपनी जो उनकी फैमिली रेसिपीज है या फिर वो जो उन्होंने वैसे ही कुछ सीखी भी है तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। अच्छा, तो यहाँ पर ज़ायदा आई है, फ़ायज़ा आई थी, फ़ायज़ा ने बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी हम लोगों से शेयर की थी, और यहाँ पर ज़ायदा आई है, ज़ायदा 2 रेसिपीज़ है, एक घी रोस्ट बना रही है देसी घी के अंदर और साथ में एक फिश बना रही है, ठीक है, एक और दे, अच्छा एक और दे दो, चलें जी ये ले, थैंक यू रिदा, कट्स लगा दी गहरे गहरे कट्स के निशान लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये मसाला बड़ा अच्छा सा लग जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, सेकंड पे भी कर लेते, चलो भैया छोड़ दो, चले बस ठीक है, चलिए रिदा स्टार्ट करती हूँ। हाँ चलो स्टार्ट करो इसको, मैं इसको थोड़ा स्लो करती थी ताकि और अच्छी तरह से। अच्छा रिदा मुझे थोड़ी सी रेड मैं आपको बता नहीं सकती जो इसका अरोमा आ रहा है, हालांकि यहाँ पे हमारा सारा ओपन है एरिया। अच्छा मैं हाथ से लगा रही हूँ इधर, ठीक है ना, अच्छी तरह, क्योंकि वैसे भी हाथ से ही लगाना चाहिए। ये दही ने थोड़ा पानी छोड़ दिया। अच्छा ये आप नान के साथ खाएंगे तो आपको बड़े मज़ेदार लगेगा, ज़ाहिर है दही का भी थोड़ा सा मसाला है और गोश्त तो बहुत अच्छे से गल गया, और हमेशा मैं यही कहती हूँ भाई चाहे वो टूट जाए लेकिन गला बहुत अच्छा से होना चाहिए। रोस्ट में तो रिदा ऐसे ही अच्छा लगता है ना गला हुआ, बहुत मज़ेदार खुशबू इसकी आ रही है, यही देसी घी में जो बन रहा है। क्या बात है, अच्छा ये देसी घी की करामत है, ये देखें खाते पीते। वैसे अपने खाने में देसी घी का इस्तेमाल जरूर करना अच्छा चाहिए। हाँ। नहीं वैसे भी देखिए पहले जमाने में ये होता था लोग देसी घी का इस्तेमाल करते थे, घी इस्तेमाल करते थे, ये तो अभी जो है ऑयल वर्ल्ड का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा इसको खूब अच्छी तरह से मसाला लगाना, ग्रिल पैन को मैं ऑन कर दूं? जी बिल्कुल कर, ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। बड़े मज़े की मछली बनेगी मसाले के साथ, खूब ज़बरदस्त गार्निशिंग। अच्छा एक रेसिपी और भी है जो बड़े मज़ेदार सा डोसा मसाला बन रहा है, सबको ही मुझे लगता है वो तो वो भी सबको बहुत ज़्यादा सबका फेवरेट होता है, तो उसको भी बनाएंगे। यहाँ पर इसको देखिए कितना अच्छा सा मसाला लगाए, अगर आप इसको रात भर मैरिनेट करके रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे ये होगा कि इसका मसाला अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है तो टेस्ट बड़ा मज़े का रहता है। मैं सारा ही लगा देती हूँ। हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस। चलें जी अभी ग्रिल पैन गरम हो रहा है, इस पर हम मछली डालेंगे और मछली हमारी फ्राई होगी बड़े अच्छे से, उसके बाद इसको हम टर्न कर लेंगे और यहाँ भी इसके अंदर वो उसमें डालें ना। हाँ डाला है मैंने इसके अंदर। चलें जी अब इसको मुझे दे, मैं ग्रिल पैन के उस पर से डालते हैं फिर ताकि हम ब्रेक पे जाएं, इतनी देर में हमारी फिश भी फ्राई हो जाएगी, फिर वापस आएंगे तो हम अपनी जो मज़ेदार सी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डोसा मसाला। वैसे रिदा हम थोड़ा सा इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं क्योंकि वैसे भी ये, चले भैया इतना देसी घी नहीं खा सकते बड़ा हजम नहीं होगा। चलिए ओहो ये हजम ही तो जल्दी होता है। अच्छा जी यहाँ पर फिश को हम रखते हैं फ्राई होने के लिए, ग्रिल पैन पे मैंने डाल दिए, जब तक मछली फ्राई हो रही है तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तड़का में फ्रेंड वीक, जिसमें हम मेरी दोस्तें आएंगी और हर रोज सिखाएंगी आपको बड़े मज़ेदार से रेसिपी। उसके अलावा हम यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड में, और पोर्ट ग्रैंड के यहाँ पर इतने सारे रेस्टोरेंट हैं और हर रोज़ हम आपको एक रेसिपी पोर्ट ग्रैंड की रेसिपी, जिस तरह से यहाँ गार्डनी है इसकी आज रेसिपी है बड़ी मज़ेदार सी डोसा मसाला, आप लोग आके हमेशा खाते होंगे और आप कहते होंगे कैसे बनता है इसमें क्या इन्ग्रीडियंट है, आप टेंशन ना लें ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा यहाँ मेरी प्यारी दोस्त है बड़े मज़ेदार से 2 रेसिपीज बना चुकी है, एक देसी घी रोस्ट बड़े मज़े का बनाया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और बड़ा ज़बरदस्त सा गला हुआ और भुना हुआ है, ठीक है, और साथ में ये मछली भी तैयार हो चुकी है, यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी फिश बनी है, मसाला बड़े मज़ेदार है और बड़े अच्छे से गल चुकी है। तो ज़्यादा ये फिश वैसे आप घर में बनाती होंगी हमेशा करती होंगी, तो घर वाले पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं, और अम्मी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं। हाँ। तो मैं उनको देखी। अच्छा अम्मी की रेसिपी? जी अम्मी की रेसिपी। अच्छा, ये भी अम्मी की है। अच्छा जी बिल्कुल। देखिए बहुत मज़ेदार सी 2 रेसिपीज है, प्रॉपर आपको रेसिपी कार्ड आएगा उसमें आपने प्रॉपर तरीके से नोट कर लिया, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा, इसलिए पूरा वीक जो हमारा चल रहा है पूरा फ्रेंड्स वीक है और मेरी प्यारी प्यारी सारी दोस्तें आएंगी और अपनी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा जी अब हम चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ आप लोग आते हैं हमेशा पोर्ट ग्रैंड और यहाँ पर जब आप डोसा खा रहे थे तो आप कहते इतने मज़े का डोसा है, किस तरह से बनाया किस तरह से बनाया और इसकी चटनियों में क्या है। चले जी मैं आपको बताऊँ, चिकन डोसा भी बनता है वेजिटेबल भी बनता है, तो यहाँ पर ये आलू का डोसा बना रहे हैं, इसके अंदर आलू जो है बॉयल किए हुए, सिंपल जो आलू उबालते हैं आलू को उबाल लीजिएगा, उसके बाद आपने क्या करना है आप थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा, उसको प्याज को हल्का सा आपने सॉटो करना है, उसके बाद आपने क्या करना है इसमें डालनी है राई डाल देनी है, करी पत्ते डालने हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा, हल्दी डाल दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा ये आपकी
जो वेजिटेबल वाला जो आलू वाला डोसा है उसका वो तैयार है। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी चटनी बनी है, चने होते हैं जो सफ़ेद भुने हुए चने, ठीक है, वो है, इमली का रस है, लाल मिर्च है, नमक है, ये सारी चीज़ें जाके इसको ग्राइंड करते हैं। यहाँ पर कोकोनट की चटनी है, ये बहुत मज़े की होती है कोकोनट की चटनी। इसमें क्या है, नारियल है, साथ में इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नमक और ये डाल के पीसी हुई, बड़ी मज़ेदार सी। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसका जो बैटर बना हुआ है। अच्छा, इसका एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूँ, देखिए ये वो लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर जो आपको रेस्टोरेंट की बात की जाए तो यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा इनकी रोज़ की प्रैक्टिस में, हम रोज़ तो डेली तो नहीं बनाते, हम कभी कभी बनाते हैं। वैसे तो मैं इसकी रेसिपी को आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी लेकिन प्रॉपर उस तरह से नहीं करूँगी जो इनके रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बैटर बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त सा, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर क्या है, चावल, माश की दाल, साथ में राई, नमक और इनको क्या किया जाता है, ओवरनाइट इसको सोक किया जाता है, फिर इसको ग्राइंड करके पीसने के बाद फिर इसको 4-5 घंटे रखा जाता है ताकि अच्छी तरह से राइस हो। ये देख लीजिएगा बहुत अच्छे से राइस हो गया। और इन ये लोग जब बनाते हैं तो इनका जो बड़ा सा प्लेटर्स टाइप का इस तरह के होता है जिसके ऊपर ये लोग अपने डोसा बनाते हैं और काफ़ी बड़ा सा होता है और बड़ी प्रैक्टिस इनको होती है। तो खैर मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनकी रेसिपी को सही तरह से फॉलो करूँ। तो बस इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे ताकि ये थोड़ा हल्का सा ग्रीस हो जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। सिर्फ मेरे पास ऑलरेडी वैसे ही ये जो मेरा पैन है ये है नॉन स्टिक, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून जितना ज़्यादा है। इसको हल्का सा हम टिश्यू से वो कर देंगे, ब्रश कर लें, टिश्यू कर लें, चले ब्रश कर लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। अब यहाँ पर जाएगा इसका बैटर, ठीक है, मेरे पास छोटा तवा है तो इसलिए हम इसको कम उसमें करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से घुमाना है, ठीक है, इस तरह से घुमाते जाएगा घुमाते जाएगा, तो ये इससे क्या होगा कि पूरा यहाँ पर फैल जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा बंद करती हूँ इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है ये पूरा। इसके ऊपर जब आप फैला देंगे तो ये पूरा इसके ऊपर पतला सा पेपर डोसा जो है वो रेडी हो जाएगा, सही है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा फैल रहा जा रहा है और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इसके किनारे छूट जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, ठीक है। बड़ा वाला इनका बैटर है उसके अंदर हम जो इनका पैन है उसके अंदर हम बनाएंगे और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। ये इसका पूरा हमने यहाँ पर फैला दिया। अब दोबारा से ऑन करूँगी इसको, ज़ाहिर है ये इतना ज़्यादा गर्म पे तो चिपक जाता है, ये देख लीजिएगा। जब इसके किनारे छूटेंगे तो फिर हम इसको यहाँ पर से हटा देंगे, पलटेंगे। यहाँ पर जो इसकी फिलिंग है, फिलिंग को हम इसमें सारी फिलिंग करेंगे और उसके बाद ये देखें चटनी है, ये एक वाली चटनी है और साथ में आलू की फिलिंग है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जब रेडी हो जाएंगी फिर हम इसको निकालेंगे, निकाल कर फिर हम उसको आगे बताएंगे। थोड़ा सा इसको कम करते हैं ताकि स्लो फ्लेम पर बने और इसको हम टर्न करेंगे, जिस तरह से मैंने बात की कि थोड़ा सा इसको बड़ा वाला पैन। चलिए जी इसको टर्न करते हैं, मज़ीद एक दो और बनाते हैं, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज तैयार है। पहले फर्स्ट वाला डोसा ज़रा सा वो हो रहा था, मुझे सही नहीं बनाता, लेकिन सेकंड हमने बड़ा अच्छा बना लिया, बड़ा थिन सा, ये देख लीजिएगा, ये पेपर डोसा इसको कहते हैं, पेपर डोसा ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा बना। अच्छा, अब इसकी फिलिंग के लिए क्या है, चिकन की भी होती है तो हम बताते हैं, हम आलू की फिलिंग करें। इतने मज़े की इसकी फिलिंग है, बस आलू को आपने बहुत अच्छे से बॉयल करना है, फिर ऑयल के अंदर हल्का सा प्याज को सॉफ्ट कर लीजिएगा, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, राई ये डालिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये चटनी है, बड़े मज़े की चटनी है, देखिएगा ये चटनी डालेंगे, ठीक है। चटनी के साथ एक तो ये वाली चटनी है जिसके अंदर इमली भी है, अच्छा ये बड़े मज़ेदार वाली लाल वाली चटनी है जिसके अंदर चने भी डले हुए हैं, इमली का रस है, ज़ीरा बुना हुआ, सारी चीज़ें, ठीक है। चलो ये ज़्यादा ज़रा इसको वहाँ रखो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कोकोनट वाली चटनी, ये भी बड़े मज़े की होती है कोकोनट चटनी, ख़ास साउथ इंडियन डिश है, सबको पता ही है कि ये लोग बड़ी फरमाइशें करके इसको खा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो आज हमने गार्डनियर रेस्टोरेंट की ये बड़े मज़ेदार सा पेपर डोसा जो है इस आपके साथ शेयर किया, इसको हल्का हल्का सा प्रेस कीजिएगा इस तरह से, ये देखिए। अच्छा, ये उसी टाइम पर क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है, तभी मज़ेदार लगता है, तभी आप इसको खाएँगे, आप इन्जॉय करेंगे। देखिए ये बना लिया, नाइफ दे देना ज़्यादा, मैं इसको ज़रा सा कट कर लेती हूँ। तो ये पेपर डोसा बन गया, ठीक है, ये देख लीजिएगा, हम इसको इस तरह से कट करते ताकि इसकी फिलिंग जो है ना वो आपको नज़र भी आए और आप इसको एंजॉय करें, ये देख लीजिएगा ज़बरदस्त। ये सेकंड वाला भी रेडी है, इसकी भी इसी तरह से फिलिंग करेंगे। इसी तरह से आपने क्या करना है, इसको आलू की
आलू में आपको नजर आ रहा है कच्ची कच्ची प्याज, ये प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, हल्की कच्ची प्याज रखी जाती है। चटनी आपने डालनी है, रेड वाली चटनी, ग्रीन कोकोनट वाली चटनी, सही। और इसके बाद आपने इसको स्लो स्लो आपने क्या करना है, इसको रोल करना है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए छोड़ो तो ये ज़रा सा वो हो जाता है, हार्ड सा हो जाता है। बस आपने बड़े आराम के साथ इसको इस तरह से टर्न करना है और क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार डोसा जो है रेडी हो गया। ठीक है जी, ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्प आपको नज़र आ रहा है। डोसा मसाला भी तैयार हो चुका, घी रोस्ट मटन भी तैयार हो चुका और साथ में मसालेदार मछली भी तैयार हो गई। अब आपको ज़ाहिर है इनकी रेसिपीज भी चाहिए होंगी, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। अभी हमारा रिकैप ब्रेक आता है, उसमें रेसिपीज कार्ड आते हैं और जल्दी से आपने नोट करना है ताकि आप भी इतनी मज़ेदार रेसिपीज को बनाकर एंजॉय करें। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार रेसिपीज यहाँ पर तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सा घी रोज बना है, साथ में मसालेदार मछली बनी और यहाँ पर बना है बड़े मज़ेदार सा डोसा मसाला। डोसा मसाले की चटनी इतनी मज़ेदार है, आलू की फिलिंग बड़ी मज़ेदार है। मेरा गला ख़राब है लेकिन फिर भी मैं खाऊंगी, ज़ाहिर है इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ को मैं मतलब मिस नहीं कर सकती, मैं ज़रूर खाऊंगी। और आपको पता है यहाँ पर आउटडोर हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड में, और पोर्ट ग्रैंड में आपको यहाँ पर कुछ शोर भी नज़र आ रहा होगा, बर्ड्स नज़र आ रही हैं, प्लेन की आवाज़ें आ रही हैं, शोर शराबा नज़र, लेकिन मज़ा इसी में है ना, सब चीज़ नेचुरल हो रही है। तो आप लोग भी इसी तरह से यहाँ पर आएँ पोर्ट ग्रैंड पे, एंजॉय करें मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और ज़ायदा आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा और आउटडोर शूट करके, हाँ। और मैंने पहली दफ़ा किया और मुझे बड़ा मज़ा आया, और दूसरी बात मैंने एक तीसरी रेसिपी आपसे और सीख ली है, मसाला डोसा। और ये है कि दोबारा मौका मिलेगा कुछ और सीखने को, तो ज़रूर बुलाएंगे, मज़ेदार रेसिपीज हमसे शेयर की है, ज़रूर ज़रूर बुलाएंगे और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे। और ये थी हमारी आज की रेसिपीज, लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा, प्रॉपर रेसिपीज कार्ड आपको मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको पूरा इसका मेथड मिलेगा, आपने रेसिपीज को ट्राई करना है, इन्जॉय करना है और पूरा वीक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ को इन्जॉय कर सकें। ज़ाहिर है फ्रेंड्स वीक है, मेरी फ्रेंड्स आएंगी और अपनी जो उनकी रेसिपीज़ है, जो भी फैमिली रेसिपीज़ भी होती है और उसके अलावा और जगह उन्होंने सीखा होता है, तो वो कहती क्यों ना जाके हम दूसरों के साथ शेयर करें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो बस अब इजाजत का टाइम आ गया, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह पे पोर्ट ग्रैंड के अंदर ही, और कौन सा रेस्टोरेंट होगा ये थोड़ा सा सरप्राइज है, लेकिन आप लोगों ने पूरा वीक मेरे साथ रहना है। और अब इजाजत का टाइम आया, ज़ायदा ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी, कल फिर मुलाकात होगी पोर्ट ग्रैंड में, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।